बड़वा में छठ पर्व के दिवस महिलाओं ने अस्त होते सूर्य की पूजा कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। गुरुवार शाम को अस्त होते सूर्य की आराधना करने के लिए महिला पुरुष नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा नदी पहुंचे। सभी ने सामूहिक रूप से एकत्र होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर पूजा की। शाम 4 बजे से ही व्रतधारी महिलाएं पुरुष एवं महिलाएं तट पर पहुंचने लगीं। पुरुष सिर पर रखी टोकरी में फल, मूली, गन्ना एवं कठुआ इत्यादि रखकर चल रहे थे। वहीं महिलाएं हाथों में आरती की थाल लिए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही सूर्यदेव अस्त होने के करीब पहुंचे, महिलाएं थाली एवं कलश लेकर नर्मदा के जल में खड़ी होकर पूजा अर्चना करने लगीं। इस दौरान महिलाओं ने सूर्यदेव को जल भी चढ़ाया। जब तक सूर्यदेव पूरी तरह से अस्त नहीं हुए, महिलाएं पानी में ही खड़ी रहीं। इसके बाद महिलाओं ने घाट पर नर्मदा जी का पूजन का दीपदान भी किया। व्रतधारी महिलाओं ने बताया कि तीसरे दिन महिलाओं ने पूरे दिन निर्जल उपवास किया था। रात्रि के समय महिलाओं ने अपने घर में छठी माता के भजन भी गाए। शुक्रवार सुबह उदय होते सूरज की आराधना के साथ पर्व का समापन हुआ। इस अवसर पर नर्मदा तट पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। बहुत अच्छा माहौल है ये, और अपने हिंदू धर्म का ये छठ पर्व है और हमारे यूपी बिहार से स्टार्ट हुआ और बहुत ज्यादा ही मतलब इसका मनाता है। और 4 दिन का पर्व है ये। पहला दिन इसका मतलब नहाना खाना होता है, दूसरे दिन खरना होता है, छोटी छठ बोलते हैं, और तीसरे दिन आज बड़ी छठ है जिसमें बूढ़ते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, और चौथे दिन कल शुक्रवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दे के इसको समापन करते हैं और पूरे इसको निर्जला रखते हैं अपने घर पर। पति, बच्चे सबके सुख शांति के लिए इस व्रत को किया जाता है।